यूपी के बलिया में बच्चों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। यूपी के बलिया जिला के रसा तहसील क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को धान्य पब्लिक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों व अध्यापकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। रंगों के महापर्व होली के अवसर पर आपसी मेलजोल और सद्भावना का संदेश खूब गूंजा। नन्हे नन्हे बच्चे होली के गीतों पर झूमे, रंग बिरंगे गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रसन्नता से होली का त्योहार मनाने का संदेश दिया। वहीं स्कूल के प्रबंधक धर्मवीर जायसवाल ने बच्चों को होली की महत्ता बताते हुए कहा कि यह पर्व प्रेम और भाईचारे का त्योहार है, शालीनता और प्रेम भाव के साथ होली खेलने का संदेश दिया। बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। जायसवाल, धन्य पब्लिक स्कूल प्रबंधक, आप सभी को होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पे आप सभी को मैं चाहूँगा कि ईश्वर आप लोगों को सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य वैभव और शांति दें। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन के पथ पर ऐसे ही गतिमान बने रहें, अग्रसर होते रहें। आप सभी लोग इस होलिका दहन में अपने नकारात्मक विचारों को जला डालें, मिलजुल कर रहें, साथ में रहें, परिवार के साथ रहें, आसपास के लोगों को देखें, कोई अभाव में न रहें। रोज़ एक ऐसा कार्य करें जिससे आपको आनंद मिले, एक परोपकार एक पुण्य का कार्य करें। होली हमें यही संदेश देता है कि मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए, समृद्धि के साथ रहना चाहिए, सुख से रहना चाहिए, संपन्नता से रहना चाहिए। एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखिए, परिवार के साथ रहिए, परिवार के लोगों के साथ हमेशा चलेंगे तो एक जीवन में अच्छा आयाम मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।